हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्राट्स किचन में। आज हम बनाएंगे थंडाई, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं थंडाई। इसके लिए सबसे पहले मैंने मिक्सर के एक जार में लगभग 40 बादाम डाले हैं। बादाम मैंने रात भर भिगो के रखा था, सुबह उसकी स्किन उतार के उसको ब्लांच कर लिया है। हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स सोक डालेंगे, रात भर सोक किए हैं मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स। काजू मैंने 35 से 40 लिए हैं, जिसको मैंने सोक करके ब्लांच कर लिया था। पिस्ता भी मैंने 30 से 35 डाला है। साथ ही में यहाँ पर मैंने मगज डाला है 3 बड़े चम्मच, मेलन सीड्स, इसके अलावा पॉपी सीड्स है 2 बड़े चम्मच, ये भी रात भर सोक्ड है। और साथ में डाल रहे हैं हम 2 बड़े चम्मच काली मिर्च के। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच छोटा केसर का आधा कप दूध में डिसॉल्व करके रखा था, उसको भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और साथ में अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 कप चीनी का। दोस्तों, इस सारी चीज़ों को हम पीस के बढ़िया पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच दूध का और ऐड किया था ताकि हमारा पेस्ट जो है वो अच्छे से पिस जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटे चम्मच हरी इलायची का पाउडर और 2 बड़े चम्मच गुलाब जल। इसको हम दोबारा से पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें पिस के तैयार हैं, बिल्कुल बढ़िया और स्मूथ पेस्ट बना है। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ ही में मैंने दूध लिया है दोस्तों, 1.5 लीटर दूध है ये। इसको बॉयल करके मैंने 1 लीटर 250 ml रिड्यूस कर लिया है। और अब इसको मैं इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी। दूध मेरा अभी थोड़ा ल्यूकवॉर्म है। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे लगभग 4 से 5 घंटे तक। आप ओवरनाइट भी रखें तो बहुत ही अच्छा है, ठंडाई बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, इसके लिए इसको ठंडा ही सर्व करेंगे। इसलिए अब ये फ्रिज में रख दूंगी मैं। दोस्तों, मेरी ठंडाई बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब इसको मैं फ्रिज से बाहर निकाल रही हूँ और इसको सर्व करने जा रही हूँ। मैंने इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखा है। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों ठंडाई को गार्निश कर लेंगे। इसको गार्निश करने के लिए मैंने कुछ केसर के स्ट्रैंड्स डाले हैं इसमें और थोड़े से चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स का यूज किया है। बस तैयार हो गई ठंडाई। इसको सर्व करें अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, पिए और पिलाएं और एंजॉय करें। और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्राट्स किचन में।